रूस जो है वो किस तरह से लगातार अटैक कर रहा है, किन किन इलाकों पर अटैक कर रहा है, किस किस तरीके से कर रहा है। तो देखिए फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये टैंक नजर आ रहे हैं। रूस ने दरअसल तीन तरह से अटैक किया है, टैंक से अटैक किया है और किन किन इलाकों पर अटैक किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूक्रेन का ये मैप है जहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम इलाके जहां टैंक के जरिए हमला किया गया है, क्योंकि रूस एक प्रॉपर रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, एक एक कदम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही चलता जा रहा है। टैंक से हमला किया गया, मिसाइलों से हमला किया गया और यहां तक कि सबमरीन का इस्तेमाल भी रूस ने किया है। लेकिन जो रिटेलिएशन की बात यूक्रेन कर रहा है, अगर उसमें सच्चाई है और अगर वो पूर्णता सच है तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर वो भी बन जाती है। लेकिन कहां कहां कब्जा हो चुका है रूस का वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए लुहासंक में अगर बात की जाए तो वहां पर कब्जा हो चुका है, सुमी की बात की जाए तो वहां पर भी कब्जा जो है वो कर लिया गया है रूस की तरफ से। इसके अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जंग जारी है, खिरसन की बात की जाए तो वहां पर भी कब्जा कर लिया गया। तो इस मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कहां कहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन एक और बड़ी बात यहां पर आती है कि यूक्रेन को सैन्य मदद से अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया है। अब यह खबर बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि भले ही यूक्रेन नाटो की सेना में शामिल नहीं है लेकिन उन्हीं से आश्वस्त होकर, उन्हीं से आश्वासन मिलने के बाद उसने तमाम बड़े कदम उठाए और रूस की चुनौतियों को वो लगातार दरकिनार करता रहा। लेकिन क्या यूक्रेन ये युद्ध लड़ पाएगा जिस हिसाब से लड़ रहा है, लड़ पाएगा तो कब तक लड़ पाएगा। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि युद्ध जो है वो केवल हथियारों से लड़े नहीं जाते हैं, उसमें आपके विल पावर कितनी है, आप में लड़ने की क्षमता कितनी है, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम अपने एक्सपर्ट से यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि रूस जहां एक तरफ एक्सपेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, बार बार आरोप लग रहे हैं कि पुतिन वापस सोवियत संघ बनाना चाहते हैं, तो वहीं पर अस्तित्व की लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है। यह अस्तित्व की लड़ाई में यूक्रेन कितनी देर तक टिक पाएगा, कितना रिटेलिएट कर पाएगा, रूस से कितनी चुनौतियां होंगी, इन तमाम पहलुओं को समझने की हम कोशिश इस खास कार्यक्रम में करते रहेंगे। तो कई खास कार्यक्रम में कई खास मेहमान मेरे साथ हैं और एके शिवाज सर मैं शुरुआत आपसे करता हूं और इसी बात से करता हूं कि यह कहा जाता है कि युद्ध जो है वो हथियारों के दम पर तो लड़ा जाता है लेकिन हथियारों के साथ साथ उस राष्ट्र की विल पावर कितनी है, नेतृत्व की विल पावर कितनी है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अफगानिस्तान में नेतृत्व ने गिव अप किया, वहां पर रातों रात कब्जा हो गया, यहां नेतृत्व लड़ रहा है। कैसे आप देख रहे हैं दूसरे दिन इस युद्ध को जब तमाम अपने अपने दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से? बिल्कुल, देखो शिवांकर, ऐसा है कि अगर आप कंपैरिजन करो दोनों मिलिट्रियों का, रूस का और यूक्रेन का, तो यूक्रेन की जो फौज है वो 40% के करीब है रूस के। क्योंकि सच्चाई यह है कि चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो आरटी गन्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हों, चाहे वो शिप्स हों, उनके 30% के करीब है। देखो ये $62 बिलियन का खर्चा करता है रूस, जबकि $6 बिलियन ही करता है यूक्रेन। यूक्रेन जो है 22वां नंबर है 140 देशों में और रूस जो है नंबर 2। ये तो है इनकी मिलिट्री पावर की बात, मगर सच्चाई यह है कि आज जिस प्रकार से रूस ने अटैक किया है वो काबिले तारीफ है। उसने सबसे पहले क्या किया, हाइब्रिड वारफेयर और उसके बाद साइबर वारफेयर किया, पूरे सिस्टम को जैम कर दिया और उसके बाद मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी से उसने नॉर्थ से, बेलारूस से और जो आपका ईस्ट यूक्रेन से और उसके साथ साउथ में आपका कीव और ब्लैक सी में तीनों तरफ से इकट्ठा हमला किया। और हमला करना टैंकों की मदद से और आपके एयर अटैक हैप्टर की मदद से, उनकी मदद से वो माइनर ऑपोजिशन को बाईपास करते हुए कीव की तरफ का। इससे पहले उन्होंने क्या किया, जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था पूरा का पूरा यूक्रेन का, उसको उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, पूरा एयर डोमिनेशन होगा। इसलिए अब हुआ क्या कि यूं तो बोल रहा है यूक्रेन वो काफी लड़ाई लड़ रहा है पर मुझे लगता नहीं ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्पेशल फोर्सेज हैं रूस की वो कीव के दरवाजों पे पहुंच गई है, चारों तरफ से कीव को घेर लिया है, बिजली पानी बंद कर दिया है और ऐसे में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन कीव फॉल करेगा। सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से पुतिन की फौजों ने चारों तरफ से अटैक करके कीव की तरफ गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पूरा यूक्रेन का बर्बाद कर दिया है, तो ऐसे में क्या हुआ है कि यूक्रेन की फौज खास लड़ नहीं पाई है। लड़ना चाहिए था क्योंकि कम से कम उनके पास 30-40% की फौज है, उनका मोराल हाई होना चाहिए, उनके पास भी कम से कम $4 बिलियन खर्च किया नेटो ने, मगर सच्चाई है कि जिस प्रकार से हमला हुआ है, जिस प्रकार से ये फौज मूव करी है बिल्कुल रूस की, उससे वो सरप्राइज हो